भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बेहद ही पुराना है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच अक्सर तनाव पैदा हो जाता है। दरअसल चीन LAC से सटे उन इलाकों पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है जो भारत का हिस्सा है। चीन कुछ ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में करता है। वो अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में बताकर इस पर अपना दावा करता है। इसके अलावा चीन ने पहले ही लद्दाख में अक्साई चिन पर अपना कब्जा जमा रखा है। 1950 के दशक में ही चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा किया था और 1957 में जब चीन ने यहाँ पर सड़क बनाना शुरू किया तो भारत को इसका पता चला और 1958 में चीन ने इस सड़क को अपने नक्शे में भी दिखा दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद हुआ और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। साल 2017 में भी भारत और चीन की सेना के बीच डोकलाम में विवाद हुआ था। दरअसल डोकलाम भारत के उत्तर पूर्व में सिक्किम और भूटान की सीमा के पास है। यहाँ पर चीन ने सड़क बनाने की कोशिश की थी जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया था। भारत का कहना है कि अगर ये सड़क बन गई तो उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर के इस इलाके तक चीन आसानी से पहुंच जाएगा और 20 किलोमीटर का यह सामरिक हिस्सा भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये इलाका भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। अब बात आती है लद्दाख की, तो यहाँ पर 1 मई 2020 में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल भी हुए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी पर दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ गई थीं। इस पूरी झड़प में भारत के 20 जवान तो चीन के करीब 38 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 जवानों की मौत की पुष्टि की थी।